हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय टुडे वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ब्रॉल पास खरीदने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं और ब्रॉल पास की जो न्यू स्किन है वो भी खरीदने वाले हैं। और इससे पहले इस आईडी में हमने ईवी परचेज किया था, जैसे कि आपको याद होगा, और उसका गेम प्ले भी आया था। वैसे भी इसका भी गेम प्ले आएगा ऑटिस का, उससे पहले हम लोग पहले परचेज कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं गेम की ओर। वैसे भी मैंने सारे इवेंट जितने भी आए थे फट से कंप्लीट कर लिए, तो 10 तक हुए थे और एक ब्रॉल पास का बचा हुआ है जो ब्रॉल पास खरीदने पे मिल जाएगा। तो फट से शॉप में जाते हैं और ब्रॉल पास खरीद लेते हैं। तो ब्रॉल पास हमने खरीद लिया है, तो अब हम लोग स्किन भी क्लेम करेंगे जो कॉड का काफ़ी इपिक स्किन है भाई। और अभी हम लोग एक गेम भी खेलेंगे कॉड के साथ, और ये काफ़ी इपिक क्या भाई, एकदम काफ़ी कलरफुल एंड मस्त है भाई। उसका जो गन का मूवमेंट है भाई, मस्त भाई, आग लगा देगा इस बार। तो हम लोग इसमें ना अब कॉइन कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पावर पॉइंट बचा के रखेंगे फॉर न्यू ब्रॉलर। जेम्स क्लेम कर लेते हैं और बॉक्सेस भी हम लोग लास्ट में ही ओपन करेंगे। ज़्यादा चांस, आप एक बार में ज़्यादा बॉक्सेस ओपन करोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रॉलर के, कंपेरिजन टू वन बाई वन, एक मतलब एक साथ खोलो तो ज़्यादा चांस होते हैं। अगर वन बाई वन खोले, मतलब आते गया खोलते गए, तो उसमें कम चांसेस होते हैं ब्रॉलर के। तो ऐसे ही हमने सारे बॉक्सेस खोले, और इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइज़ को, उतना ज़्यादा आ रहा होगा तो बगल में पार्टी है तो आता ही रहता है। तो फाइनली, और इसका गेम प्ले वीडियो भी आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉन्ग प्रेस कर लेना कि मतलब ऑल पे, कि फटक से नोटिफिकेशन चला जाए और फट से देख लो, और ऐसे ही अच्छे रिस्पॉन्स देते रहो। और ये काफ़ी अच्छा स्किन है, इसका जो लास्ट स्किन जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा, मैंने इसको ट्राई किया था गेम प्ले में तो काफ़ी अच्छा ही लगा मेरे को, उतना कुछ है नहीं। चलो कॉट का स्किन क्लेम कर, मतलब वो सेलेक्ट कर लेते हैं और एक गेम प्ले खेलते हैं। और काफ़ी अच्छा मूवमेंट है भाई इसके गन का, वैसे होली की पिचकारी वाली गन नहीं लग रही है आपको? अगर आप इंडिया से हो तो आपको पता होगा क्या है ये गन, आपको पता होगा, हमें तो पता है, वैसे ही लग रही है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉट, मतलब उसके मसल उसल्स और ये सब। चलिए एक गेम खेल रहे हैं हम लोग, शोडाउन, मतलब सोलो गेम खेल लेते हैं एक। तो काफ़ी छोटा नहीं लग रहा आपको कॉट? मेरे हिसाब से मेरे को काफ़ी छोटा लग रहा है कंपेरिजन, देखो ब्रॉक काफ़ी बड़ा लग रहा है इससे, ये काफ़ी छोटा लग रहा है, लग तो रहा है मेरे को। आप बताना कमेंट में आपको कैसा लग रहा है, मतलब मेरे को गेम प्ले उम्प्ले सही लग रहा है। ये वाटर बॉल फेंक रहा है मतलब, और हाँ वाटर बॉल ही फेंक रहा है, हाँ वाटर बॉल फेंक रहा है इन अलग कलर, पहले ब्लू जाता है उसके पीछे ग्रीन होता है। पैन बॉल एक आप गेम होता है उसकी तरह लग रहा मेरे को। वैसे तो ठीक ही है गेम प्ले मेरे मतलब गेम प्ले तो मेरा ख़राब है, मतलब ब्रॉलर काफ़ी ठीक है, डिसेंट है। डिसेंट मतलब क्या, मतलब मस्ती है बस। न्यू ब्रॉलर से बहुत सारे यूट्यूबर्स भी खुश नहीं हैं, और भाई लिटरली गेम को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बना दिया है गेयर्स ने इनको करने में ना। पहले ठीक था भाई, 9 का करते थे 10 ऑटोमेटिक हो जाता था, उतना तक ठीक था भाई। मेरा होने वाला था लगभग आईडी मैक्स, फिर जब मैं बीच में गेम छोड़ दिया था मेरे बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बाद जब मैं आया तो भाई पूरा एकदम सत्यानाश, सॉरी गाइस मर गए, कोई बात नहीं, चलता रहता हार जीत, फोर्थ रैंक आया कोई बात नहीं। इसका गन मूवमेंट भाई, गन मूवमेंट हो इपिक भाई, मस्त काफ़ी इपिक लग रहा है। वो जो उसका फेस ढका हुआ है शार्क वाले से, और पूरा एकदम सिनेरियो डीप सी वाला, उसका हेयर भाई जैसे शार्क का वो होता है, मतलब वो जो होता है ना ऊपर वाला एरो वैसा एकदम कर्व। अगर आप चाहते हो क्लब ज्वाइन करना तो क्लब ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही भाई को सपोर्ट दिखाते रहो, टेक केयर।